पुंछ में हैंडीकैप एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पर्संस को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया। बहसियत चेयरमैन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम, हमें इस बात की खुशी है कि हमारा आलमी दिन, इंटरनेशनल दिन, नेशनल नहीं इंटरनेशनल दिन जो है वो बड़ी शान और शौकत के साथ डिग्री कॉलेज पुंछ में मनाया गया, जिसपे जहाँ एक तरफ जिला इंतजामिया पुंछ ने हमारे साथ अच्छा किया और हर साल की तरह ये जो है हमारा माजूरीन का दिन जो है वो डिग्री कॉलेज पुंछ में मनाने का हमें जो है वो पूरा एक हमारी हौसला अफजाई की। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए गए, जैसा कि पहली बार नहीं बल्कि हर साल, ये कोई नेशनल नहीं, हमें पूरा हक दिया गया है कि आप अपना दिन मना सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर डिग्री कॉलेज पुंछ के बाहर हमारी किसी माजूर से कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया उन कुछ चैनल ने कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन इतना ज़रूर कि उसकी मुखालफत की गई और डिग्री कॉलेज के बाहर कभी कहा गया ये शादी हॉल है, कसाई खाना है, इस किस्म के प्रोपेगेंडे किए गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज आपकी वसातत से कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ, हम कल का दिन भी रुक गए थे कि इस पर नोटिस लें, जब माजूरीन का दिन आए तो ऐसे लोगों के पेट में क्यों दर्द निकलता है। तो हम माजूरीन वो लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी, हमने 5-6 सालों से कोशिश की कि हमारा दिन जो है वो अच्छी तरह मनाया जाए, हम अपने लोगों की बात कर सकें, हम अपने लोगों की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचा सकें, लेकिन कुछ चैनल्स ने बजाय कि हमारे माजूरीन की बात सुनना, बजाय कि इनकी प्रॉब्लम आला हुकाम तक पहुँचाना, सिर्फ बार का जो वहाँ पर मेडिकल बोर्ड लगा था, बाकी तमाम स्टॉल लगाए गए थे वहाँ पर जो है उसका वीडियो बनाकर ये कहा गया कि यहाँ कौन सा प्रोग्राम है। बच्चों को भी ये नहीं पता था कि अंदर डिसेबल प्रोग्राम माजूरीन का प्रोग्राम है या कि कोई और प्रोग्राम है, तो उनको उनसे इंटरव्यू लेकर एक अपने टीआरपी के लिए बढ़ाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ वो हमारे भाई हैं, इस तरह से मीडिया का काम नहीं चलता, और जो हमारी मीडिया है बेसिक जो मीडिया आवाज उठाती है वो एक नाम उनका बदनाम हो रहा है। और मैं मीडिया के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आपकी एसोसिएशन है, आप इस पे नोटिस दें और हम भी माजूरीन का एक वफद जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मिलेंगे, और ऐसे पोर्टल जो अननेसेसरी हवा और खबरें फैलाते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करेंगे। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम का दूसरा मरहला कुंजर टाउन में शुरू हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में इलाकाई लोगों ने शिरकत की। गुलमर्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर ने टाउन हॉल कुंजर में मुख्तलिफ महकमों के जरिए लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया। वहीं गुलाम जिलानी जरगर ने हमारे नुमाइंदा भट्ट मुदासिर से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद लोगों और इंतजामिया के बीच की दूरी को खत्म करना है। सेकेंड फेज जो है माई टाउन माई प्राइड का यहाँ पे हो रहा है, मुझे कुंजर म्यूनसिपल कमेटी दी गई है। कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट ने जो जहन में रह के गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम बनाया है उन तमाम डिलीवरेबल्स को हम कोशिश करेंगे यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की। लोगों से भी इंटरेक्शंस करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, यहाँ के ऑफिशियल से भी, हमने अभी स्टॉल्स का भी जायज़ा लिया, यहाँ पे बहुत लोग जमा भी हो गए थे। हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट का मकसद है, जो अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं कि गैप जो है लोगों और लोगों में और गवर्नमेंट में उसको कम से कम किया जाए, गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों में सेंसिटाइजेशन किया जाए। लोग सामने आ रहे हैं और आपने खुद भी देखा अभी कि लोग यहाँ पे बहुत सारे आए थे, हर एक डिपार्टमेंट यहाँ स्टॉल भी एस्टेब्लिश किया था। सेकंड फेज़ का अभी हमने शुरुआत ही अभी की है, अभी सुबह एक स्पोर्ट्स इवेंट भी हमने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो मकसद जो है गवर्नमेंट का वो यही है कि एक एनर्जी मिले, एक ताकत मिले लोगों में, एक ताकत जो री एनर्जाइज किया जाए इस लोकल बॉडी को, सो दैट जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो अच्छे से खर्च की जाए और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, लोग सारे प्रोजेक्ट्स को, सारी स्कीम्स को अपना समझ के उनको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। जम्मू कश्मीर के तनमर्ग में सर्द का मौसम लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। सर्द और सूखे मौसम में यहाँ दर्जा हरारत इतनी नीचे गिर जाती है कि लोगों को कोहरे में गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा मुतासर टूरिज्म से जुड़े लोग होते हैं। यहाँ ठंड का मजा लेने आने वाले लोगों को धुंध में घूमना बेहद मुश्किल और खतरनाक साबित होता है। लोगों को बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार होता है ताकि उन्हें इस सूखे मौसम से थोड़ी राहत मिल सके और यहाँ घूमने आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो सके। मेरा नाम वसीम हुसैन है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि आज बहुत दिक्कत होती है चलने में हमें,
क्योंकि फॉग की वजह से लाइटें डालनी पड़ती है, इंडिकेटर ऑन करने पड़ते हैं, तब जाके हमें रास्ता दिखता है। देखिए 15 नवंबर से बर्फबारी स्टार्ट हो रही थी, तो इस साल आज 4 दिसंबर है, तो आज 4 दिसंबर तक कोई बर्फबारी नहीं हुई है, जो कि अगर बर्फबारी होती है तो टूरिज्म का काम बढ़ता है, तो हमारे घर भी चलते हैं, हमारा सारा कुछ दारमोदार होता है टूरिज्म डिपार्टमेंट पे। जब टूरिज्म आएगा तब हमारे घर चल सकते हैं, तब हमारे चूल्हे चल सकते हैं। मेरा नाम भरत है और हम मुंबई से आए, हम 5 लोग हैं यहाँ पे। बाहर से आए तो हम लोग को देखने तो मिलता नहीं है, वहाँ पे बहुत ही गर्म इलाका है वहाँ पे हमारे इधर, तो यहाँ पे बर्फबारी होगी तो थोड़ा और भी देखने मिलेगा। फॉग की वजह से बहुत कुछ देखने नहीं मिल रहा है, जैसे कि हम लोग डाल लेक में रुके हुए थे और वहाँ पे इतना फॉग था कि आगे हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या देखें, मतलब पूरा नज़ारा हमको देखने नहीं मिला था, तो वहाँ पे वो एक तकलीफ थी बस। हरियाणा फरीदाबाद से आए हैं सर, अभी हमें थोड़ा सा बर्फबारी होती तो हमें बहुत अच्छा लगता, और बच्चे भी इसी चीज़ के लिए आए हैं कि बर्फबारी देखने के लिए आए हैं। अभी हमने सोचा था कि गुलमर्ग जा रहे हैं तो बर्फबारी हमें मिलेगी, पर अभी इधर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अभी हम खुद भी परेशान हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी बर्फबारी हो ताकि हमको भी राहत मिले चलने में, हम भी थोड़ा सा कमा लें, क्योंकि ये पूरा जो कश्मीर है एक पूरा टूरिज्म पर ही डिपेंड है, तो हम भी यही चाहते हैं यहाँ पर बर्फबारी थोड़ी सी हो ताकि हमको भी राहत मिल जाए। माइनस टेम्परेचर होने की वजह से सुबह हमारी गाड़ियाँ भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अगर कुछ बारिश या बर्फबारी का इम्कान हो यहाँ पे पड़ जाएगी, वो हमारे लिए बेहतर होगा सर। पहले जब हम सुबह निकलते हैं तो इतना फॉग होता है, हमें गाड़ियों की लाइटें ऑन करनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है, खासकर हम ड्राइवरों को। तो हम चाहते हैं, अल्लाह मियाँ से यही दुआ करते हैं कि कुछ बारिश या बर्फबारी हो ताकि हमें भी आसानी हो जाए सर। लोग यहाँ इसलिए आते हैं, यहाँ बर्फ देखे, बर्फबारी देखे। अभी यहाँ इतना सया है, हर कोई बोलता है बराबरी होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, तो हमें अल्लाह से यही दुआ है कि इंशाल्लाह बराबरी हो। बांदीपोरा के हाजिन जिले में विकास परिषद सीट के लिए वोटिंग हुई, इस दौरान लगभग 53% लोगों ने वोट डाले। लोगों का ये कहना है कि आज उन्होंने सिर्फ इस उम्मीद के साथ वोट डाले कि उनकी जरूरतें पूरी होंगी। जलपोरा मे गुजारिश कि वोट त्रावो, वोट त्रावनस मन हेत क्या, मगर गुजारिश बोड बार ये जुलम आमुत दु कर अखत ठे ओस फीस यदर अव त्राम बिजली बिल 7 हथ रोपये बैकवर्डस मे गोज नाराज ये इलाक ग।